जी स्टूडेंट्स कैसे हैं जी? आप सब ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं जी आपको LWE की जानिब से। आज आप लोगों का फर्स्ट सेशन है। अच्छा मुझे जरा बताइएगा कि आप लोगों में से ऑलरेडी कौन कौन जो है वो SEO के बारे में जानता है। ओके किस लेवल तक जानते हैं आप फजल और कायना? ओके फजल आप? इंटरमीडिएट। ओके कीवर्ड टारगेटिंग के लिए आपने कहा ना कौन सा मेथड यूज किया? ऑफ पेज के लिए किया, ऑन पेज के लिए किया? ओके चलो बेहतर हो गया जी। हमने थोड़ा सा वेट किया कि मैक्सिमम लोग हमें ज्वाइन कर लें। चलें अब हमें जी आज का सेशन स्टार्ट करना है। बट स्टिल अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, 1 मिनट मजीद वेट करते हैं। ओके दैट्स ग्रेट। रहील और सोर्स बताएं कहां से अर्निंग की? ओके दैट्स ग्रेट। चले अल्लाह ताला आपको और बरकतों से नवाजे। वेब का प्रोजेक्ट किया आपने? ओके प्रोडक्ट लिस्टिंग किया। लें जी स्टूडेंट्स प्रोडक्ट लिस्टिंग से अर्निंग की है जी, इनको जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस करें। मोहम्मद राहील और आप लोग भी मेहनत करेंगे। चल अब हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है जी। अच्छा अभी आप स्क्रीन के ऊपर एक शीट देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले कुछ जरूरी बातें मैं आपसे करना चाहूंगा। पहली बात ये कि आप लोग सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चंस कीजिएगा और क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है जी। तो उसी दौरान में आप अपने क्वेश्चन करें, इररेलेवेंट क्वेश्चन मत कीजिएगा। जैसे आपको सिखा रहे हैं वैसे वैसे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा आप। और उसके अलावा जब सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा उसको अलहदा से नोट डाउन करेंगे। जब आपको टाइम दिया जाएगा आप उस टाइम में उसे पूछेंगे, या दरमियान में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो तब आप वहां पर आंसर करेंगे। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि कोई पर्सनल टॉक नहीं होगी यहाँ पर, कोई बिजनेस मैटर यहाँ पर डिस्कस नहीं होगा।
जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर जो है वो आपके मेंटोर करेंगे, यानी कि मैं करूंगा, ठीक है? आप लोग आंसर मत कीजिएगा। क्लियर हो गया? तो सर, तमाम लोग आप क्लियर टाइप कर दें यहां पर। और अपने वेबकैम्स ऑफ रखिए। हाफिज अबू हुरैरा। चल देखिए सर, चाहे आपके पास ओल्ड वेबसाइट का प्रोजेक्ट आए या आपके पास न्यू वेबसाइट का प्रोजेक्ट आए, दोनों को स्टार्ट करने का मेथड सेम, ठीक है? सबसे पहले आपको प्लानिंग करना होगी। प्लानिंग के लिए जो डाटा रिक्वायर्ड है वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। उस प्लानिंग में जो आप डाटा अपने क्लाइंट से कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को यूज करते हुए आपने आगे प्रिपेयर्ड होना होता है अपनी स्ट्रेटजीज को बिल्ड करने के लिए, ठीक है? अब यहां पर आप देखें कि इस शीट में आपके साथ कुछ चीजें शेयर की हैं, और ये बल्कि शेयर क्या किए हैं, कंप्लीट फॉर्मेट आपको बना के दिया है, ठीक है? सबसे पहले जब आप अपने क्लाइंट से मिलते हैं तो आपने उससे कौन कौन सा डाटा कलेक्ट कर, देखिए सबसे पहले एनएपी इंफॉर्मेशन है। एनएपी इंफॉर्मेशन हम कहते हैं नेम एड्रेस एंड फोन नंबर इंफॉर्मेशन, ठीक है? जो भी उसका बिजनेस नेम है वो आप यहां पर लिखेंगे, ठीक है जी? एड्रेस आप उसका यहां पर लिखेंगे, अगर कोई एड्रेस टू है तो वो भी आप नोट डाउन करेंगे। सिटी लिखेंगे, स्टेट उसकी क्या है, जिप या पोस्टल कोड क्या है, कंट्री क्या है, लोकल फोन नंबर क्या है, इसको भी आप छोड़ दें, इसको हम डिलीट कर देते हैं, और उनकी वेबसाइट क्या है, ठीक है? क्योंकि चाहे ओल्ड प्रोजेक्ट हो या न्यू प्रोजेक्ट हो, दोनों सूरतों में आपके पास तब आना है जब डोमेन परचेज हो चुका होगा, डेवलपमेंट हो रही होगी, न्यू प्रोजेक्ट आपके पास उस वक्त आएगा। ओल्ड प्रोजेक्ट आपके पास जब आएगा वो आएगा रीडिजाइन के टाइम, ठीक है? एक कंपनी है, उसने वेबसाइट बनाई, उसे एसईओ का नहीं पता था, बाद में उन्होंने रियलाइज किया जी कि एसईओ के जो हैं वो बेनिफिट्स हैं, और अगर हम अपने प्रोजेक्ट की एसईओ करवाएं, एसईओ एक्सपर्ट को हम हायर करें, तो हम इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं, ठीक है? तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसको हम नैप इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती हैं, लाइक अदर बिजनेस इंफॉर्मेशन। फैक्स नंबर आप लेंगे, आप उनका ईमेल आईडी लेंगे, लोकेशन लैंडिंग पेज वन, ठीक है, लैंडिंग पेज टू, लैंडिंग पेज थ्री, डिफरेंट वेबसाइट के लैंडिंग पेजेस हो सकते हैं, ठीक है? ये आपको बताएंगे कि लैंडिंग पेजेस आपने कैसे चेक करने हैं, ये अभी आप फिलअप नहीं करेंगे, जब आपको सिखा देंगे तो इंशाल्लाह तब आप करेंगे। उसके बाद बिजनेस के ऑर्ड्स क्या है, मंडे टू संडे किस दिन की ऑफ है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अगर कुछ नोट्स हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहां पर एक चीज मेंशन की है कि फॉर मल्टीपल लोकेशंस डबल चेक द ऑर्ड्स फॉर ईच लोकेशन एज दे मे वेरी। समटाइम्स क्या होता है कि एक इलाके का, देखें ये अगर हम इंटरनेशनली इसको लें तो यूएस के अंदर देखें स्टेट्स हैं, वो स्टेट्स जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, ठीक है? तो हर स्टेट के टाइम के अंदर भी एक से दो घंटे का डिफरेंस है, कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं। तो अब आपको वहां पर टाइम जो है वो लेना है। बाज जगह जो है, बाज इलाके हैं वो बहुत ज्यादा ठंडे हैं और बाज इलाके हैं वो गर्म है, इस लिहाज से टाइमिंग्स भी डिफरेंट हो सकती हैं, तो आपको वो लेना है, ठीक है? ये इंशाल्लाह आपको बाद में क्लियर हो जाएगा। सुमेर यासीन, आप लोग जरा जिनको मेरी वॉइस क्लियर है यहां पे वॉइस क्लियर टाइप करें।
ठीक है, बस ठीक है, इन्हें भी पता लग जाएगा कि वॉइस क्लियर है इनके एंड पे प्रॉब्लम है। अच्छा ओके स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। इसके बाद बिजनेस कैटेगरीज, देखिए हर बिजनेस जो है वो किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करता है। कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे, कोई हेल्थ से रिलेटेड होगा, कोई फूड से रिलेटेड होगा, कोई ट्रेवल से रिलेटेड होगा, कोई फैशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, हर बिजनेस किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करता है। और एक जनरल बिजनेस होता है जो कि मल्टीपल कैटेगरीज को टच करता है, उसमें मल्टीपल कैटेगरीज इंक्लूडेड होती है। तो आपने वो बिजनेस जितनी कैटेगरीज से रेलेवेंट है आपने वो यहां पर नोट डाउन करनी है। देखिए, यूज ओनली द मोस्ट रेलेवेंट कैटेगरीज। ठीक है, गूगल माय बिजनेस यूआरएल, अगर गूगल माय बिजनेस अकाउंट उनका क्रिएटेड है, वहां पे उनका जो बिजनेस है वो वहां पर लिस्टेड है, तो आप उनसे उसका यूआरएल लेंगे, या यूआरएल नहीं भी लेंगे तो आपको बिजनेस का नाम पता है, आप गूगल माय बिजनेस के ऊपर जाके उसका यूआरएल वहां से ले सकते हैं, या आपको इंशाल्लाह बताएंगे। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक सिटीज एरियाज सर्व, क्या वो कंपनी स्पेसिफिक सिटीज में, इधर कंट्रीज भी आ सकते हैं। ठीक है, मल्टी नेशनल जो कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही होती हैं। ठीक है, या बाज कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि डिफरेंट स्पेसिफिक एरियाज के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही होती है, वो सब चीजें आपने मेंशन करनी है, ये आगे आपको हेल्प आउट करेगा। उसके बाद जो कंपनी का लोगो यूआरएल है वो आप ले लेंगे, समटाइम्स कंपनी का लोगो पिंटरेस्ट पे अपलोडेड होता है, समटाइम्स किसी ना किसी मीडियम पे डेविएंट आर्ट के ऊपर पड़ा हुआ होता है, कहीं पर भी पड़ा होता है, इसकी आपको जरूरत पड़ सकती है, वो आप ले लेंगे। ठीक है, अब लास्ट में आप क्या करेंगे कि सोशल मीडिया पे जहां जहां पर उनकी प्रेजेंस है, इन पांच के अलावा भी हो सकती है, वो आप नीचे यहां पर ऐड करते जाएं और उनके यूआरएल्स आप यहां पर लेते जाएं। ठीक है, ये चीज आपको, ये सारी डिटेल आपको क्यों हेल्प आउट करेगी, जब आप साइट का ऑडिट करेंगे तो ये सब चीजें आपको साइट ऑडिट में हेल्प करेंगी। क्लियर हो गया जी, यहां तक मुझे जरा आंसर करेंगे। ओके, ओके जी, ठीक हो गया, चले। आकिब, अभी आप अपने क्वेश्चन को अपने पास नोट डाउन कर लें, मैं लास्ट में आपको टाइम दूंगा, आप तब मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चनेयर है जिसको आपने फिल करना है अपने क्लाइंट से पूछ के। ठीक है जी, इसके अंदर सबसे पहले इनिशियल क्वेश्चंस हैं जो आपने अपने क्लाइंट से पूछने हैं, उसमें हमने यहां पर 3 to 4 कैटेगरीज बना दी हैं। पहली है बिजनेस स्पेसिफिक क्वेश्चंस, हैज द बिजनेस प्रीवियसली यूज्ड अदर नेम्स। बाज़ुकात होता है कि एक बिजनेस है जो कि काफी पुराना है और वो बिजनेस अब दोबारा से अपना नेम चेंज करता है, या कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि उनके ऑनर उसको सेल कर देते हैं। ठीक है, अब जब न्यू मैनेजमेंट उस बिजनेस को लेती है तो वो मोस्टली उसका नेम चेंज करती है। ठीक, जितने भी प्रीवियस नेम्स हैं वो आपको यहां पर नोट डाउन करने। वॉज द बिजनेस प्रीवियसली लोकेटेड एट अ डिफरेंट एड्रेस।
अगर करंट एड्रेस से वो डिफरेंट थी उसकी लोकेशन, तो वो आप यहां पर लिखेंगे। ये आपको उसकी टारगेटेड ऑडियंस फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करेगी। Has the business used any other phone numbers? अगर कोई phone numbers हैं तो यहाँ पर लिखें। Does the business use any call tracking number? वो आप यहाँ पर लिखें। How many locations does the business have? देखें, business की multiple locations हो सकती हैं branch wise, ठीक है? Branches जो हैं वो उसकी different cities के अंदर भी हो सकती हैं। वो सब आपको यहाँ पर mention करनी है। What is the average value of a sale? अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक कंपनी डिफरेंट चीजें सेल कर रही होती है, ठीक है? तो हम ये देखते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हम उनसे ना 100 सेल का रिकॉर्ड लेते हैं। 100 सेल्स का रिकॉर्ड लेने के बाद हम उसको प्लस करते हैं, सम करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो टोटल नंबर्स मतलब क्वांटिटी जो सेल हुई है ना, वो क्वांटिटी हम टोटल अमाउंट जो हमने अर्न की है या टोटल रेवेन्यू जो हमने जनरेट किया है उसके ऊपर हम उसको डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे पास एक एवरेज सेल निकल आती है। एवरेज सेल क्यों हम लेते हैं? एवरेज सेल आरओआई में काम आती है। आरओआई क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने कितना इन्वेस्ट किया था और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपने जो है वो कितना अर्न किया, ठीक है जी। व्हाट इज द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर? एक कस्टमर अगर आपके पास आया था, अब यहां पर दो चीजें आ जाती हैं। एक तो ये कि वो कस्टमर कितनी दफा आपके पास रिपीट हुआ, सेटिस्फाइड कस्टमर की बात कर रहा हूं, क्लाइंट की बात कर रहा हूं, और जितनी दफा वो रिपीट हुआ उसने आपको कितना बिजनेस दिया। एक कस्टमर की हिस्ट्री आप लेंगे, उसे आप सम करेंगे, उसको आप टोटल उसके विजिट्स के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो उसकी एक एवरेज निकल आएगी, वैल्यू निकल आएगी कस्टमर की दोनों, ठीक है? एक तो ये कि उसने कितने विजिट्स किए, दूसरा ये कि उसने उस विजिट में कितना बिजनेस किया। हाउ मच रेवेन्यू शुड द वेबसाइट जनरेट ईच मंथ? ये आप उनसे पूछ लेंगे। डज द बिजनेस हैव एनी क्वालिटी इमेजेस एंड वीडियोस? क्या उसका कोई मीडिया सेंटर है? अगर उसकी प्रोडक्ट्स है तो वो उनको कैसे डिस्प्ले कर रहा है, वो उनको कैसे अपनी वेबसाइट के ऊपर दे रहा है, हाई क्वालिटी इमेज है? ये सारी चीजें आपने यहां पर पूछी। What are the top services provided by the business? Top services क्या हैं? जो hot services हों उस business की वो आप यहाँ पर लिखें, और बाकी की भी जरूर यहाँ पर लिखें, क्योंकि उससे मुतालिक आपको keyword research करनी होती है। Does the business have any certification, specialties or anything noteworthy? वो आपको यहाँ पर mention करनी है। Has the business received any award? अगर वो well known company है तो normally ये होता है कि companies जो हैं वो awards win करती हैं। वो आप यहाँ पे mention करें। ये आपको promotions के अंदर help out करेगा। Does the business service any well known brands? क्या उस company का कोई well known brand है? ठीक है जी? अगर है तो वो आप यहाँ पे mention करें। क्योंकि ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, इसके पीछे एक ग्रुप होता है जो उसको रन कर रहा होता है, ठीक है? आपने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। डज द बिजनेस हैव एनी कस्टमर रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स? देखें, जो सेटिस्फाइड क्लाइंट होते हैं वो आपको रिव्यूज देते हैं, उन रिव्यूज को हम टेस्टिमोनियल्स भी कहते हैं। अगर कुछ क्लाइंट ने दिए हैं, आप उन क्लाइंट की यहां पर तादाद भी लिखेंगे, ठीक है? और आप ये भी देखेंगे कि उन्होंने कितनी स्टार रेटिंग दी है। कोई 4 स्टार देता है, कोई 4.5 देता है, कोई 5 देता है, कोई 3 देता है, ठीक है? तो वो आपको लिखना है, और अगर कोई नेगेटिव फीडबैक है तो वो भी आपको नोट डाउन करना। उससे आपके आपको पता लगेगा कि कंपनी का कौन सा एंड वीक है। आप वेबसाइट के ऊपर उस एंड के ऊपर
थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करेंगे कंटेंट के ऊपर तो क्लाइंट डेफिनेटली सेटिस्फाइड होगा। उसके बाद वेबसाइट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, हैव एनी प्रीवियस एसईओ वर्क बीन डन, अगर कोई एसईओ कॉल प्रीवियसली कोई प्रोजेक्ट उन्होंने किसी को असाइन किया था तो उसकी डिटेल्स यहां पे मेंशन करेंगे। हैज योर वेबसाइट एवर बीन पेनलाइज्ड बाय गूगल, क्या आपकी वेबसाइट को कभी गूगल ने पेनल्टी डाली है, वो आप यहां पर मेंशन करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद जी हाउ मेनी वेबसाइट्स डज योर बिजनेस ओन, जैसा मैंने आपको बताया ना एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप के डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, हर ब्रांड की अलग अलग वेबसाइट होती है, वो आपको यहां पर सारा कुछ नोट डाउन करना। When was the last time your website was redesigned? Sometimes ये होता है कि एक बंदे ने अपना प्रोजेक्ट इनिशियली डिजाइन करवाया, फिर उसको कुछ चीजों की समझ आई, फिर उसने उसको रीडिजाइन करवाया, तो उसने उसको अगेन रीडिजाइन करवाया। आपके पास वो तब भी आ सकता है जब उसको 5-6 साल हो चुके हैं, ठीक है। Where is the website hosted? Hosting company की डिटेल आप यहाँ पर लिखेंगे कि कौन सी होस्टिंग यूज कर रहा है बिजनेस। वेयर वाज द डोमेन नेम परचेस्ड, डोमेन नेम कहां से परचेस किया, गोडेडी से किया, नेमचीप से किया, किस प्लेटफॉर्म से किया, ठीक है, उसकी डिटेल्स आपको यहां पर मेंशन करना है। अच्छा, हु इज द टारगेटेड ऑडियंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये आप बिजनेस ऑनर से पूछेंगे या आप उनको कहेंगे कि हमें कोई ऐसा रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दें जिसमें कस्टमर की डिटेल हो। कुछ बिजनेसेस होते हैं वो अपने क्लाइंट का डाटा भी रखते हैं, उन्हें पता होता है कि क्लाइंट जो है वो किस टाइप का आ रहा है, वर्किंग वुमेन्स आ रही हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, किस टाइप की ऑडियंस आ रही है, वो आपको प्रोडक्ट से भी अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। What is the primary and secondary call to action? Call to action हम किसे कहते हैं? मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे देखें, ये Mall of Wish है हमारा प्रोजेक्ट। Call to action कहते हैं कि लाशऊरी तौर पे आप कुछ ऐसी चीजें अपनी वेबसाइट पे क्रिएट करते हैं कि लाशऊरी तौर पे उनके ऊपर जो है वो आपका इंटरेस्टेड क्लाइंट जो है वो क्लिक करता है। लाइक ये देखें, ये बटन है, अगर इस पे कोई क्लिक करेगा तो हमारी जो एक्सक्लूसिव की कैटेगरी है उसमें आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अच्छा सॉरी, चलें नो प्रॉब्लम, इसको मैं देख लूंगा। ये देखें, अब ये प्रोडक्ट भी कॉल टू एक्शन है, ठीक है, ये वीडियो भी कॉल टू एक्शन है, देखें ये कॉल टू एक्शन है, ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए। तो कुछ कॉल टू एक्शन प्राइमरी होते हैं, कुछ कॉल टू एक्शन सेकेंडरी होते हैं, ये इंशाल्लाह आपको बाद में समझाऊंगा अभी कि इनको कैसे जो है वो कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। चल, इसके बाद है व्हाट गोल्स शुड द वेबसाइट हेल्प द बिजनेस अकॉम्प्लिश, ठीक है, कि बिजनेस ने जो वेबसाइट डेवलप की है उसको उससे क्या चीजें जो है वो तवक्को करता है कि वो इसके जरिए से हासिल कर लेगा। लाजमी सी बात है हर प्रोजेक्ट के गोल्स होते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है और उसका आपको ड्यूरेशन भी मेंशन करना है कि वो बिजनेस ऑनर कितने अरसे में हासिल करना चाहता है। उसके बाद अकाउंट क्वेश्चन, अगर बिजनेस का तो आपको उनसे उसकी एक्सेस लेना है
तो आप उनसे कंफर्म करेंगे कि क्या आप हमें गूगल माय बिजनेस अकाउंट की एक्सेस देंगे। उसके बाद अगर वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर आपको देखना है कि जो गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल है वो कंप्लीट है या नहीं है, ये आपको यहां पे मेंशन करना। डज द बिजनेस हैव अ गूगल सर्च कंसोल अकाउंट? गूगल सर्च कंसोल एक टूल है और अगर उसमें उनका अकाउंट है तो क्या वो उसकी एक्सेस प्रोवाइड करेंगे? बिंग वेब मास्टर टूल में अगर उनका अकाउंट है तो क्या वो उसकी एक्सेस प्रोवाइड करेंगे? कैन यू प्रोवाइड एक्सेस टू एनी साइटेशन लिस्टिंग? ये सिर्फ यूएसए और यूके के लिए है, साइटेशन आपको बताएंगे, अभी आप इसको छोड़ दें। व्हाट सोशल मीडिया प्रोफाइल डज द बिजनेस हैव या यूज? ये आप डाटा लें। उसके बाद एसईओ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये तमाम चीजें आपको खुद परफॉर्म करनी होती हैं। हाउ मेनी बैकलिंक्स डज द बिजनेस हैव? वो आपको बताएंगे कि आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं। व्हाट इज द डोमेन अथॉरिटी ऑफ द बिजनेस? डोमेन अथॉरिटी कैसे चेक करनी है आपको बताएंगे। व्हाट इज द ट्रस्ट फ्लो एंड साइटेशन फ्लो स्कोर्स? ये भी आपको बताएंगे, ये एक टूल है जो ये दोनों चीजें आपको बता देता है। जी स्टूडेंट्स, यहां तक ये जो बेसिक डाटा हमने लेना था क्लाइंट से, ये आपको क्लियर हो गया? आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके जानने वालों में या जिनके पेरेंट्स बिजनेस वगैरह कर रहे हैं या कोई भाई कर रहे हैं या कोई अजीज कर रहे हैं? मुझे जरा यहाँ पर वन, जिनके कर रहे हैं बिजनेस वो वन टाइप करें, जिनके नहीं कर रहे वो टू टाइप। चल अब आप लोगों ने क्या करना है कि वन वाले जो हैं वो तो अपने उन पर्सन से इस क्वेश्चनेयर को अभी फौरी तौर पे फिलअप करेंगे, ठीक है, उनसे डाटा लेंगे, कॉल पे ले लें या फिजिकल मीटिंग करके ले लें, जैसे भी आप चाहते हैं ले लें। और जो टू वाले हैं वो क्या करेंगे, वो कोई सी भी इंडस्ट्री यहां पर चूज कर लेंगे, वो क्या करेंगे कि यहां पर कोई भी एक कैटेगरी का वेबसाइट जो है वो यहां पर, जैसे क्लॉथिंग स्टोर आप लिखे, अब देखें यहां पर ये सना सफीनास तो खैर एड आ रहा है, बेसिकली केसरिया रैंक कर रहा है, आप इसको ओपन करेंगे। अब आप यहां से इसका डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहां से अब आप कैसे करेंगे ये देखें, आप लास्ट में आ जाएं, यहां पर ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कुछ डाटा आपको मिलेगा, कुछ कॉन्टेक्टस में मिलेगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप का डाटा आपको मिल जाएगा डिफरेंट जगहों से। तो आपको क्या करना है कि आपको यहां से उनका डाटा कलेक्ट करना है, ब्रांड नेम ये आ गया आपके पास, ईमेल भी आ जाएगा, फोन नंबर भी आ जाएगा, ये सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ये आ जाएंगी, ठीक है, ये चीजें कुछ नहीं आएंगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप गूगल मैप्स के ऊपर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ये खेसरिया इसको आप कॉपी करेंगे, गूगल मैप्स के ऊपर यहाँ पर आप केसरिया को पेस्ट करके सर्च कर लेंगे। ये देखें जी, ये केसरिया आ गया, केसरिया गुलगश्त, ये आई थिंक कहां की ब्रांच है अभी देख लेते हैं, लेया की है जी, ठीक।
तो आप किसी भी एक सिटी का ले लेंगे डाटा यहाँ पर, ठीक है, फोन नंबर आ रहा है, वेबसाइट आ रही है, ठीक है, तो आप ऐसे करके अपना डाटा यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे। क्लियर हो गया जी, जरा मुझे बता देंगे। इजी है, मुश्किल तो नहीं है, ये डाटा आप लोग कलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब जब ये सारा डाटा आपके पास आ जाता है तो उसके बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है? ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि जैसे हमारे पास सपोज जी ये प्रोजेक्ट आ गया केसरिया.com, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले आपने साइट की स्पीड देखनी है। अब साइट की स्पीड आपको यहां पर नहीं पता लगेगी क्योंकि यहां पर तो ये कैश में सॉरी सेव हो जाता होता है, ये देखें। अब आप इसका टाइम देखेंगे, टाइम ये कुछ ज्यादा ले रही है ओपन होने में, ठीक है, तो ये चीज आप मेंशन करेंगे कि इसका जो है वो लोड टाइम जो है, लोडिंग स्पीड जो है, साइट स्पीड जिसको हम कहते हैं, ये थोड़ी सी लो है। ठीक है, देखिए अभी तक स्टिल लोड हो रही है, ये देखें, इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर क्या वो कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करें। देखें ये एग्जैक्टली कर रहे हैं, इन्होंने कंपनी को कहीं पर मेंशन नहीं किया, प्रोडक्ट्स हैं इनकी, ये वो प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, ठीक है, ये देखें। अब ये सब इनके कॉल टू एक्शन है, ये कैटेगरीज हैं इनकी, ये इनके कॉल टू एक्शन है, आप ये देखेंगे कि कॉल टू एक्शन प्रॉपरली लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप इनका सोशल मीडिया चेक करेंगे, ये देखें यहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे प्रॉपर इनका फेसबुक है, ये देखें जी केसरिया का प्रॉपर है, ये देखें जी, ठीक है, प्रॉपर है। इसके बाद आप चेक कर लेंगे कि ट्विटर अकाउंट इनका प्रॉपर है, ये अभी प्रॉब्लम कर रहा है, चले इनका होगा, ट्विटर भी होगा इनका लाजमी। उसके बाद आप चेक कर लें कि पिंटरेस्ट है इनका, सॉरी इंस्टाग्राम, और फिर साथ ही आप पिंटरेस्ट भी चेक कर लें। ये देखें जी केसरिया का है, ठीक है, ये देखें, ठीक है, अच्छी प्रमोशंस कर रहे हैं, पिंटरेस्ट भी इनका मौजूद है, बिल्कुल ठीक है, पिंटरेस्ट भी इनका मौजूद है, ये देखिए काफी अच्छा पिंटरेस्ट का पेज है इनका, तो इसका मतलब है कि ये सोशल मीडिया पे मौजूद है। आप ये सारी चीजें अपने पास नोट डाउन कर लेंगे।
गूगल बिजनेस चेकअप भी हमने कर लिया, ठीक है। तो यहां तक आपकी बेसिक है कि बेसिकली आपको शुरू में ये डाटा देखना होता है। क्लियर हो गया मुझे, जरा बताएंगे। चल अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते, अपना क्वेश्चन पूछो। जी आप में से मुझे किसी ने कहा था क्वेश्चन के लिए, देखें जो आपको प्रोजेक्ट देना चाह रहा है ना वो आपको जरूर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर अभी आपको नहीं मिल रही तो मैंने आपको बताया है कि आपने कैसे कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। ये जो फाइल आपके साथ आज शेयर कर दी जाएगी अभी थोड़ी देर में, उसके अंदर जो डाटा कलेक्ट करना है ये आपकी असाइनमेंट है। और ये दो चार चीजें जो थी, साइट स्पीड थी, गूगल बिजनेस चेकअप था, सोशल मीडिया लिंक चेक करने थे, ये सब चीजें आपने परफॉर्म करनी है, यही आपकी असाइनमेंट है। जी जी बिल्कुल पूछ सकते हैं इकरा, अगर आपके माइंड में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहा है जो कि आपको लगता है हेल्प आउट करेगा तो आप पूछें। जी रिकॉर्डिंग फजल आपको जरूर मिलेगी, रिकॉर्डिंग आपको जिस ग्रुप में ऐड किया जा रहा है व्हाट्सएप पे उधर शेयर कर दी जाएगी। साइट स्पीड का आपको बताऊंगा ना, उसका एग्जैक्ट टाइम आपको कैसे चेक करना है। बेटा आपको ऐड कर दिया जाएगा, आपने मेंशन कर देना है कि इसका सोशल मीडिया नहीं है। नहीं, वो फेसबुक ग्रुप में आपको जो अपनी असाइनमेंट है वो पोस्ट करनी है। जी और कोई क्वेश्चन? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपको रिमाइंडर देना था। जी जी अच्छा, इस तरह से है कि मैं अभी आपको एक फाइल सेंड करूंगा एक्सेल की। जी सर ठीक है। वो आपको ये 27th बैच का जो ग्रुप है उसमें आपको इनको सेंड कर। ओके सर ठीक है मैं कर दूंगी। ओके ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये जो फाइल अभी आपको दिखाई दी ये आपको मिल भी जाएगी। ठीक है जी, कैसा लगा जी आपको फर्स्ट लेक्चर, बोर तो नहीं हुए आपको? अगर नहीं है तो वो बात की ही बात है, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू। चलो बहुत अच्छा हो गया निधा। SEO, खदीजा बेसिकली ये SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी,
जी, दो तीन मिनट मजीद हैं हमारे पास, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है आपके माइंड में तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर व्हाट इज एसईओ डज एग्जैक्टली? देखें, एसईओ क्या करती है कि जब आप किसी भी वेबसाइट की एसईओ करते हैं तो वो वेबसाइट सर्च इंजन के ऊपर रैंक करती है। अब सर्च इंजन गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है जो कि 90% यूज होता है, 80-90% कह लो तो ज्यादा बेहतर है। बाकी बिंग और याहू यूज होते हैं, उसके बाद सफारी वगैरह भी है, एप्पल का जो अपना है उसमें भी, तो सबसे ज्यादा गूगल यूज होता है और इसीलिए हम गूगल को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, निश कहते हैं जी हम कैटेगरी को। ठीक है, सोशल मीडिया के लिए भी एसईओ कवर करेंगे? जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ चीजें तो सोशल मीडिया से रेलेवेंट आएंगी इस कोर्स में, वरना अदरवाइज सोशल मीडिया बिल्कुल एक अलग से चीज है। थैंक यू शमीम। जी बिल्कुल कर सकते हैं एसईओ से, वसीम रैंक कर सकते हैं। कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। अकील, मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि बच्चे आपको जो पढ़ाया जाए उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें, आप एडवांस क्वेश्चन करें, आपको कंप्लीट कीवर्ड रिसर्च हमने सिखानी है और कैसे रैंक होता है ये आपको बताना है। कीवर्ड की तो सारी यहाँ पर एसईओ के अंदर कीवर्ड की तो गेम होती है, उसी को तो रैंक करना होगा। जी फजल, वो एक अलहदा से टॉपिक है, इनशाला कुछ ना कुछ उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। जी प्रोडक्ट लिस्टिंग में भी इन्वॉल्व होती है, बिल्कुल होती है। ओके जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था, दुआओं में याद रखिएगा। इनशाला जिंदगी बखैर आप लोगों से नेक्स्ट